Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindal Bridge, Ajmer. Estron, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Jai, main Lalit Khatri aur ab baat aapki suraksha ko lekar. कैब या टैक्सी सेवा रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। खासकर ओला और उबर कैब हमारे शहरों में लाइफलाइन की तरह सड़कों पर दौड़ रही है। ये सार्वजनिक परिवहन से कहीं ज़्यादा सुविधाजनक और आसान है। सुरक्षा के मद्देनज़र महिलाएं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करती है, मगर जिस तरह से इनसे जुड़े अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उन पर गंभीरता से सोचना बेहद ज़रूरी है। इन घटनाओं से बचने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ पर एमटीटीवी इंडिया आपको ये बता रहा है कि कैब में सफ़र करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा में उबर कैब के एक ड्राइवर के द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला हो या फिर बेंगलुरु में ओला कैब में यौन शोषण का की एक घटना, ये सभी घटनाएं कैब सर्विस कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। इसलिए ज़रूरी है कैब से सफ़र करने वालों के लिए जागरूक और सतर्क रहना। तो आइए हम जानते हैं कि कैब में कैसे रहें सुरक्षित। कैब में सुरक्षित रहने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें। गूगल नेविगेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जहां से चले हैं और आपको जिस गंतव्य स्थान तक जाना है उसको नेविगेशन के माध्यम से आप भी ट्रैक कर सकते हैं। थोड़ी जानकारी खुद से भी आप जुटा सकते हैं। आपको जिस जगह जाना है उसकी दूरी कितनी है, कितना समय उस जगह पहुँचने में लग सकता है, आसपास के बड़े माइलस्टोन मार्क्स कौन कौन से हैं ताकि कैब ड्राइवर आपको गलत रास्ते पर ना भटका सके। स्पीड डायल पर अपने मुख्य नंबर को रखें। जब भी आप अकेले कैब में यात्रा करते हैं तो स्पीड डायल पर अपने कुछ खास नंबर और पुलिस हेल्पलाइन का नंबर जरूर रखें और अपना फ़ोन अपने हाथ में ही पकड़ कर रखें ताकि मुश्किल की घड़ी में तुरंत संपर्क साधा जा सके। ड्राइवर पर नज़र रखें। अगर ड्राइवर कुछ अव्यवहारिक हरकत और बात करता है तो उसको टोके और अगर ऐसा महसूस हो कि कुछ अटपटा हो रहा है तो कैब को कैंसिल कर दें और गाड़ी से तुरंत उतर जाएं। कैब बुकिंग करने पर ड्राइवर की रेटिंग जरूर देख लें। जब भी आप कैब बुक करते हैं तो उस समय ड्राइवर की रेटिंग और उसके प्रति लिखे कमेंट को जरूर देख लें और फिर उसकी कैब में जाने का निर्णय लें। कैब में बैठने के बाद पूरी जानकारी हासिल कर लें, जैसे ड्राइवर का नाम, कार का नंबर और ड्राइवर का फ़ोन नंबर। कैब राइड की जानकारी किसी के साथ जरूर शेयर करें। जैसे कैब में बैठकर सारी जानकारी लेने के बाद आपको अपने परिवार और किसी मित्र के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए और रास्ते में भी अपडेट करते रहना चाहिए। सफ़र करते समय अपनी निजी जानकारी न दें। अगर आप सफ़र कर रहे हैं और फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड, अकाउंट नंबर जैसी कोई भी निजी जानकारी देने से बचें। अनजान रास्ते से ना जाएं। अगर आपको लगता है कि ड्राइवर आपको किसी अनजान रास्ते से लेकर जा रहा है तो अपने फ़ोन पर गूगल मैप जरूर देखें और ड्राइवर को गलत जाने पर जरूर बोलें और उसकी शिकायत भी करें। राइड के दौरान फ़ोन पर लगातार बातचीत करते रहें। ऐप पर दिख रही ड्राइवर की तस्वीर और कैब चला रहे व्यक्ति का चेहरा जरूर मिला लें। बहुत बार ऐसा होता है कि डिटेल में दिख रहा ड्राइवर का चेहरा और जो ड्राइवर आता है वो अलग अलग होते हैं। इसको जरूर देखें। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप कैब को कैंसिल कर दें। ये देख लें कि ड्राइवर ने किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं कर रखा है। खासकर रात का सफ़र करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि ड्राइवर ने किसी तरह का नशा तो नहीं कर रखा है। अगर ऐसा कुछ भी आभास हो तो अपनी कैब को रोकें और सुरक्षित जगह पर उतर जाएं और इसकी शिकायत भी करें। हेल्प सेंटर सर्विस का प्रयोग करें। कुछ वुमेन सेफ्टी ऐप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का शक होने पर राइड तुरंत कैंसिल कर दें। ओला और उबर का शिकायत नंबर अपने फ़ोन में रखें। अपनी लोकेशन शेयर करें। ड्राइवर का नंबर अपने परिवार के सदस्य या मित्र के साथ अवश्य शेयर करें। इस तरह से आप थोड़ा सावधान रहकर किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं।